नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झारखंड के बोकारो जिला अंतर्गत बैरमो के करगली फुटबॉल ग्राउंड में आज झारखंड खतियान संघर्ष समिति के द्वारा 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर आज करगली फुटबॉल ग्राउंड में विशाल जनाक्रोश महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें गोमिया के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और बैरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो वाटुल उपस्थित होकर विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बैनीलाल महतो ने किया और संचालन विनोद महतो ने किया। इस विशाल महारैली में फुशरो भंडारे दह बैरमो सुवास नगर नावाडीह चंद्रपुरा पैटरवार कशमार खैरा चातर अंगवाली चलकारी खेत को चांदो कथा गोमिया आदि क्षेत्रों में लगभग 10,000 लोग पहुंचे थे। सभी वक्ताओं ने एक सुर में झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नेताओं तथा नियोजन नीति लागू करने की मांग की है। कार्यक्रम में संतोष महतो, सूरज महतो, दिगंबर महतो, इंद्रदेव महतो, चेतलाल महतो के अलावा बहुत सारे नेता मंच पर मौजूद थे। आज के इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या अधिक थी। कार्यक्रम के दौरान जयराम महतो पहुंचे और आधे घंटे तक अपनी गाड़ी पर खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते रहे, मंच पर नहीं गए। फिर मंच पर पूरा खाली कराया गया और वहां पर महिलाओं को बैठाया गया, तब जाकर जयराम महतो मंच पर गए और अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि हमें बैरमो से चुनाव नहीं लड़ना है, मैं गाड़ी पर ही भाषण दूंगा। इस पर विनोद महतो तथा जयराम महतो के बीच काफी आक्रोश देखा गया। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मुनीष कुमार वर्मा की रिपोर्ट। इस आयोजन समिति के सभी मित्रों और इस महाजुकान में उपस्थित सभी खतियारी भाइयों का गौरव, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। और तो ही सब माए बहन के हाँ बाप तरफ से हाथ जोड़ के सबके प्रणाम कर रही है, जोहार कर रही है और सबके खतियानी जोहार कर रही है। सबसे पहले एक चीज बताने चाहे कि आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।